नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गन्ने की फसल में यह कीट तेजी से फैल रहा है और किसान परेशान है। कीट का प्रकोप बढ़ने पर उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे चीनी उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस कीट के फैलने से फसल की बढ़वार प्रभावित होती है। गन्ने का उत्पादन गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिससे हरे चारे की दिक्कत होती है। अगर खेत में अधिक पानी का भराव होता है तो इस कीट का प्रकोप बढ़ता है। चीनी की रिकवरी घट सकती है। हरियाणा के जिन इलाकों में CO238 वैरायटी का गन्ना है, वहां यह कीड़ा या बीमारी अधिक मात्रा में पाई गई है और प्रभावित गन्ने के खेतों में 10-20% तक नुकसान हुआ है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता विकास औल्याण की रिपोर्ट। उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? अभी अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो इस बीमारी का आपने नाम लिया गुरदासपुर बोर, इस टाइम उसका कोई असर नहीं है, लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन और कुछ है, एक दो बीमारी ऐसी नुकसान लगे। गन्ना हरियाणा प्रदेश की एक मुख्य नकदी फसल है। हरियाणा में यदि बात करें तो करीब 225,000 हेक्टेयर एरिया में गन्ने की फसल होती है, जिसमें से मेजर एरिया यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला जिले में है। यमुनानगर की बात करें तो करीब हमारे पास 24,000 हेक्टेयर एरिया गन्ने का है, और मिल क्षेत्र की बात करें तो करीब 40,000 हेक्टेयर एरिया शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल के अंडर आता है। इसके अलावा गन्ने में जो भी प्रमुख कीट आया हुआ है वो छोटी बेधक या टॉप बोरर है। ये मुख्यतः कीट जब सूखा होता है मई जून में, तब इसकी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी नुकसान करती है फसलों में। अभी जैसे बरसातें लेट हुई, जून में बारिश हुई, लेकिन जुलाई पूरा सूखा चला गया और अगस्त भी लगभग सूखा था, एंड में बारिश हुई, तो इसकी चौथी पीढ़ी अभी तक सर्वाइव कर रही है। तो उसके लिए किसान फोरेट या फिराडान, जो रिकमेंडेड हमारी दवाइयां हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से, उनका स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि अभी स्प्रे मुश्किल है, तो जो इफेक्टेड पौधे हैं उनको निकाल के बाहर उनको जला दें तो यही समाधान है। क्या नुकसान होता है गन्ने को इससे? ये कीड़ा है जो रस चूसता है, मुख्यतः चोटी जो हम कहते हैं गन्ने की चोटी है, चोटी से रस चूसता है और पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती, जिससे उसकी पैदावार में तना है जो वो बिल्कुल कमज़ोर रह जाता है, जिससे गन्ना गिर भी जाता है बाद में, बाद हवा चलने से, हल्की सी हवा चलने से भी गन्ना गिर जाता है और इस वजह से उसकी पैदावार में कमी आती है। सर, जो रिकवरी कितनी कम होती है, सीधी लग जाती है गन्ने में? क्या क्वेश्चन है? गन्ने के कि यदि कीड़ा लग गया तो जो रिकवरी आती है, यदि सही समय पे और सही दवाई का हम उपयोग करें, जैसे मैंने बताया कि सही समय है इसका जून का लास्ट वीक और जुलाई का फर्स्ट वीक दवाई डालने का, जब इसकी थर्ड और फोर्थ स्टेज पूरी पीक पे होती है, तो यदि उस समय हम सही दवाई और सही मात्रा में पानी का उपयोग करें तो इस कीड़े पे 99% तक कंट्रोल हो सकता है। सर, यदि कंट्रोल ना हो पाए तो क्या, कितना नुकसान होगा? यदि कंट्रोल नहीं हो पाया तो 30-40% तक पैदावार में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे अगस्त सितंबर में, जब भी सितंबर या अक्टूबर में हवाएं चलती हैं तो उससे गन्ना गिर जाता है। गन्ना गिरने से उसमें तो वजन में कम आएगा और जो गन्ना गिर जाता है उसमें चूहे या दूसरे जीव हैं वो भी नुकसान करते हैं। तो सर, अपना हरियाणा में कौन कौन से जिले इफेक्ट होता है इससे? इसमें अभी मोस्टली हमारे यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और कुछ पार्ट अम्बाला का वो अफेक्टेड है। सर, ये कितने साल बाद जो बीमारी दोबारा लौटी है? नहीं, ये बीमारी लगभग हर साल ही आ जाती है, लेकिन इस बार इन्वायरमेंट इसके लिए कंजीनियल रहा, इसलिए दोबारा सर्वाइव किया है। अदरवाइज हर साल ये बीमारी आती है और हर साल किसान अच्छा कंट्रोल भी करते हैं। तो ऐसा क्या करना था, क्यों सर्वाइव? ये लेट जो बारिशें लेट शुरू हुई हैं उसकी वजह से, और जो हमारा जुलाई का और लगभग आधे अगस्त का ड्राई स्पेल गया है, इस वजह से ये रहा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।